आए थे, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि इफ रूट टू आपको दिया गया है, देन एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो सीधी सीधी बात ये है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और फिर पता कर पाऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो भैया सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा सा काम ये है, यहां पे अंदर अंदर रेशनलाइज करो चीजों की, रूट टू माइनस वन अपॉन में, रूट टू प्लस वन इंटू में, रूट टू माइनस वन अपॉन में, रूट टू माइनस वन, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखो नीचे जो फॉर्मूला बन गया वो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये कहूंगा। ऊपर जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या बन गया, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका बन गया भाई। तो यहां पे सीधी सीधी बात ये हुई कि नीचे दो में से एक गया तो एक, और ऊपर बचा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, कुल मिला के स्क्वायर से ढक्कन उड़ेगा तो रूट टू माइनस वन बचेगा, रूट टू माइनस वन यहां पे बचेगा। अब ये ही आपका आंसर देने वाला है, यही चीज आपका आंसर बताने वाली है। तो यहां पे रूट टू आपका जो है वो कितना बोला गया है, इन्होंने बोला रूट टू है हमारा 1.4142, और उसमें से हम घटाएंगे एक। जब आप इसमें से एक घटाओगे, इसमें से जब आप एक घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4142, मतलब ऑप्शन टू यहां पे बिल्कुल राइट होगा। यस बच्चों, ऑप्शन टू राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम, तो इस बात को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री किसके बराबर दिया है, एम के बराबर, ठीक है। मैथमेटिकली मैंने इस बात को लिख दिया है। अब बोल रहा है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं जीरो के बराबर लिख रहा हूं, ये भी गिवन है। तो आपसे एवरेज पूछी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के, मतलब आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई थ्री, आपसे ये पूछा है कि ये क्या आएगा। तो हम करते हैं सोल्व। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर मैं जुगाड़ कर दू सोल्व कर करके, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि इन दोनों से मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आसान से मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है। तो यहां से मैं टू कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, हम नाइन्थ क्लास से ये चीज पढ़ते हैं तो ये हमें पता है, फॉर्मूला आसान है। तो भैया यहां पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से मिल जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3m, जब 3m यहां रखोगे तो 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में इसकी वैल्यू दी गई है 0, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 0 इंटू समथिंग 0, तो कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m स्क्वायर, कितनी आ गई 3m स्क्वायर। तो ये चीज मैं वहां ले जाके रख दूंगा 3m स्क्वायर अपॉन में 3, तो इसको मैं लिख दूंगा 9m स्क्वायर बाई 3, और इसको लिख दूंगा 3m स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं 3m स्क्वायर। तो 3m स्क्वायर अपने ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल यहां पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, कितना पानी डाला जाए ये पूछ रहे हैं, जिसमें दूध और पानी का रेशियो 2:1 हो जाए, ठीक है। तो भैया यहां पर आप दूध को बराबर करो, दूध को बराबर कर लो, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 से होगा, और ये 7 से हुआ है तो ये भी 7 से होगा। तो इसका इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, इसकी वैल्यू 14 प्लस में 6 20 आई, 20 पे 80 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जोड़ने के बाद, 14 प्लस में 7 21, तो 21 पे कितना आएगा, 84 आएगा, 21 पे 84 आएगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 लीटर ऐड करना पड़ेगा, 4 लीटर यहां पे ऐड करना पड़ेगा, 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक आयताकार कमरे में फर्श की बीमाई भुजाएं जो है वो 4 मीटर बढ़ाने पे 4:3 के अनुपात में, और 4 मीटर घटाने पे
2:1 के अनुपात में हो जाती है। कमरे के फर्श की वीमाई क्या होगी, फर्श की भुजाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से लेके जा सकते थे। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं उसमें उसमें मैं चार जोड़ दूं, है ना, चार जोड़ दूं तो 12 में चार जोड़ोगे तो 16, और भाई 8 में चार जोड़ोगे तो 12, और इनका अगर रेशियो निकालता हूं तो कितना आता है, इनका रेशियो निकालता हूं तो 4:3 आता है। चेक कर लो, 4:3 आता है, इसका मतलब ऑप्शन 4:3 आ गया अपना, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, एकदम राइट है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम, बिल्कुल राइट है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक बर्तन के अंदर 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ऐसा ही कार्य दो बार और किया गया, अब बर्तन में कितना दूध रह गया, बर्तन में कितना दूध रह गया। तो ध्यान से सुनिएगा, 40 में से 4 निकाल लिया तो 1/10 आ गया, इसका मतलब 10 में से 1 निकाल लिया, 10 में से 1 निकाल लिया तो 9 बचा। ऐसा ही काम दो बार और करना है, 10 9 10 9, तो आप इसको 1000 लिख पा रहे हो मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके 729 लिख पा रहे हो, ठीक है। तो 1000 की वैल्यू 40 है तो हमें 729 की वैल्यू यहां पे बतानी है, 729 की वैल्यू यहां पे हमें बतानी है। तो जब आप इसको काट पीट के सोल्व करोगे, मैं आपको बता दूं काट पीट के सोल्व करोगे तो आएगा 29.16 लीटर, इसको काट पीट के सोल्व करोगे तो आएगा 29.16 लीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि 1/1/3.718 जो है आपका 0.2689 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है 1/0.0003718 की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3.718 है, अगर मैं ये 0.3 के बाद ले जाऊंगा तो पॉइंट से आगे कितनी डिजिट आ जाएंगी, 1 2 3 4 आ जाएंगे, 4 डिजिट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10000 से, और डिवाइड भी करता हूँ, ये डिवाइड कर लिया पहले और मल्टीप्लाई भी करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ। जब आप इस मामले को 10000 से मल्टीप्लाई करोगे और तो आपका क्या आंसर आएगा, 2689 आएगा, क्या आएगा, 2689, क्योंकि इधर होगा तो उधर भी होगा, 2689 यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें m की वैल्यू -4 दी है, n की वैल्यू -2 दी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, m और n यहाँ पे फटाफट रखने हैं, m की जगह रखते हैं m, -4 की पावर 3, -3 × -4 का स्क्वायर +3 × -4 + 3 × -2 + 3 × -2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -4 का क्यूब -64 और ये आपका +16 की 3 से -48, -12 और -6 +12 -8, 12 से 12 हो गया कैंसिल। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ये जोड़ोगे -64 -60 और 40 कितना हो गया, -100 में 4 जोड़ोगे -104, -104 और 8 हो जाएगा अपना -104 प्लस में -8 हो लेंगे, तो 8 4 12 2 1 12 हो गया सीधा, और ये आपका माइनस 112 -6 -118 -8 -126 -126 आ गया। तो ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड फिलहाल अपना करेक्ट होगा। तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।